हुमिंग बर्ड हाउ मॉथ, ये कीट फलों के पराग खाकर जीवित रहते हैं और इनकी आवाज़ भी हुमिंग बर्ड की तरह होती है और ये देखने में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब होते हैं। बेनी जूलियन पोडल मॉथ, ये पतंगा और मधुमक्खी जैसे दिखने वाला अजीब सा जीव साल 2009 में बेनेजुएला में पाया गया था। इस जीव की कोई ख़ास जानकारी नहीं है, जीव वैज्ञानिकों के पास है, अभी भी इस पर रिसर्च बाकी है। उम्बोनिया सपिनोसा, ये कीड़े अपनी चोंच से फूल के तने में छेद करके खाना खाते हैं। वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इस पर भी अभी रिसर्च हो रही है। अगर एक ठीक नज़र इस पर डाली जाए तो ऊपर का सिरा इसका डायनासोर जैसा दिखता है। मैंटिस सहारिप, इस जीव को सियालुकोटिस ब्राउन किलर या थंब स्प्लिटर भी कहते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानी में पाए जाते हैं। ये अधिकतर वक्त अपने बिल में छिपे रहते हैं। अगर एक नज़र इसे देखें तो ये ऑक्टोपस का मिश्रण लगता है। दी पैंडा एंट, चींटियों के शरीर पर सफ़ेद और काले रोए होते हैं जिसकी वजह से इन्हें पांडा एंट कहते हैं। ये चिले में पाए जाते हैं और इनके रेसे काफ़ी नुकीले होते हैं और ये दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ख़तरनाक भी है। पेनिस स्नेक, इस जानवर को वास्तव में एट्रोटा छोना इसेल्टी कहते हैं। इसका अलग हिस्सा पेनिस जैसा दिखता है। ये एक चपटे सिर वाला बड़ा जीव है जिसका शरीर काफ़ी चिकना होता है। रेड लिप्ड बैटफिश, ये लाल होंठ वाली मछली गैलापागोस आइसलैंड में पाई जाती है। ये मछली तैर नहीं पाती इसलिए समुद्र तल पर चलती है। ये देखने में जितनी अजीब है ये शिकार करने में उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। गोब्लिन शार्क, गोब्लिन शार्क लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती है पर समुद्र सतह के 100 मीटर की गहराई में पाई जाती है। ये लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर इसको ज़्यादा छेड़ा जाए तो ये शिकार करने से चूकती भी नहीं है और ये दुनिया की सबसे छोटी शार्कों में ख़तरनाक शार्क मानी जाती है। इसके बारे में आपके क्या कहना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाई लोग, मिस्टेक टाइम, तो मैंने ये दो इमेज रखी हैं, इसमें से आपको बताना है कि इन दो पिक्चर में क्या मिस्टेक है। और कुछ मिस्टेक है मैंने जानबूझकर भी छोड़ी हैं जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा जीव सबसे रहस्यमय लगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें पता चले कि आप कितनी यूनिक वीडियो देखते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड